जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना यस। अभी जो मैं ये वीडियो लेके आया हूँ ये है एओसी रिकॉर्ड की जो भर्ती आई है फायरमैन और ट्रेडमैन की, उसको लेके। और मैं इस वीडियो से पहले भी तीन चार वीडियो बना चुका हूँ जिसको आपने अच्छा रिस्पांस दिया है, इसलिए मैं ये वीडियो कंटिन्यू रख रहा हूँ। और अगर किसी दोस्त ने वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख सकता है वीडियो यूनिफॉर्म को लेके, जिसको भी डाउट है वो वीडियो देख सकता है, या हमने कौन सा सेंटर बनना है, कौन सी कमांड में कितनी पोस्टें हैं, या पोस्टों का इसका क्या मतलब है, लिस्ट ऑल इंडिया बेस पे लगेगी या कमांड वाइज लगेगी, उसकी मैंने जानकारी दे रखी है। और कल वीडियो अपलोड करी है उसमें पूरा फिजिकल का, फायरमैन का और ट्रेडमैन का पूरा फिजिकल का पूरा वो बताया है भाई क्या प्रोसेस रहेगा, मतलब आपको ग्राउंड में करके दिखाया है। तो अगर किसी दोस्त ने नहीं देखी है तो वो जाके देख सकता है। और आज मैं बात करूंगा मेडिकल टेस्ट को लेके, भाई मेडिकल कैसा होता है, क्योंकि काफी दोस्तों के जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसके ऊपर कमेंट आए हुए थे, उनके बहुत से डाउट थे। तो मैं सबसे मेन डाउट लगा मेरे को मेडिकल का लेके, और उसके बाद है सिलेबस का लेके, भाई सिलेबस कैसा रहेगा। तो मैं आपको दोनों बता देता हूँ। जहां तक सिलेबस की बात है, सिलेबस के लिए मैं आपको एक मतलब अच्छी बात बताऊंगा। हाँ, हो सकता है काफी यूट्यूब पे जो बड़े बड़े यूट्यूबर है जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर भी होंगे, तो वो क्या है किताब लेके आ जाते हैं जिसके ऊपर एओसी लिखा है बड़े बड़े प्रिंट में। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। अगर मैं कभी किताब भी लेके आ जाता हूँ, ये आपको ये पढ़ोगे तभी आप फायरमैन या ट्रेडमैन बनोगे, इसी से पढ़ोगे तभी लगोगे, तो आप सोच लेना मैंने कोई पैसे वैसे लेके मैं इसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। लेकिन मेरे को ऐसा कोई भी लालच नहीं है भाई मैं आपके लिए आपके पैसे वेस्ट करवाऊँ। मैं आपको सिर्फ जो एग्जाम पेपर आया था 41 FAD में या पीछे भर्ती एडीयू में हुई थी उसमें जो एग्जाम आया था उसका क्या है, एक मेरा दोस्त है उसने पूरा डाटा इकट्ठा कर रखा है, जो एग्जाम होने के बाद अपने से जो उसको खुद को याद रहे वो क्वेश्चन, और दो चार दोस्तों से पूछ के उसने लगभग 70-80 क्वेश्चन बना रखे हैं। तो वो मैं आपको दिखा दूंगा, आप उससे गैस करके आप देख सकते हो कौन सी किताब लेके आनी है या नहीं लेके आनी, क्योंकि एओसी ने कोई स्पेशल किताब तो बनाई नहीं है इसके लिए। उसके वो क्या है जो SSC GD या बाकी कोई भी है, क्योंकि उन्होंने पैटर्न देख लिया, जो एओसी रिकॉर्ड ने नोटिफिकेशन में पैटर्न दे रखा है उस हिसाब से बस वो पुरानी किताबों पे कवर दूसरा चेंज कर दिया जिसके ऊपर बड़ा बड़ा एओसी लिख दिया। तो मैं मेरे लिए बता रहा हूँ, अगर कल को मैं बुक लेके आ जाता हूँ तो जरूरी नहीं है उसी बुक से आएगा, तो आप ये ध्यान रखना, क्योंकि पेड प्रमोशन है वो कोई भी कर सकता है, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। तो मैं बुक को लेके आपको वो क्वेश्चन दिखा दूंगा, उस लड़के से मैं आपकी बात भी करवा दूंगा जो मतलब तीन चार भर्तियां देख चुका है अभी। मैं हो सकता है क्योंकि मेरे को जॉब करते हुए लगभग 7.5 साल हो गए, तो उसके बाद थोड़ा बहुत चेंज आया, हालांकि मैं इसके बारे में बता सकता हूँ भाई काम क्या होता है, प्रोफाइल जॉब प्रोफाइल क्या है, रूल रेगुलेशन क्या होता है, कि सैलरी कितनी मिलती है या बाकी जो भी जो सिस्टम है उसके बारे में बता सकता हूँ। अभी भर्ती के अंदर मतलब चेंज होते रहते हैं, क्योंकि मैं जिस टाइम भर्ती हुआ था उस टाइम फिजिकल का स्टैंडर्ड भी अलग था और रिटन टेस्ट का भी अलग था। उस टाइम क्या है 40 नंबर की फिजिकल होती थी जिसमें एक्सीलेंट वगैरह होते थे, और 40 नंबर का रिटन टेस्ट होता था और 20 नंबर का इंटरव्यू होता था। उस टाइम एक्सीलेंट वगैरह के नंबर होते थे, लेकिन आज के टाइम सिर्फ टेस्ट पे ही मेरिट बनती है, फिजिकल नॉर्मल कर दिया जिसके कोई नंबर नहीं होते। तो मैं उन लड़कों से भी बात करवा दूंगा जो भर्ती देख के आए हैं। और रही बात मेडिकल की, क्योंकि मेडिकल का काफी दोस्तों को डाउट रहता है, हमारे यहाँ दिक्कत है वो दिक्कत है, कैसा मेडिकल होगा, एआरओ की तरह होगा या नहीं होगा, तो मैं उसके बारे में आपको सबसे पहले मेडिकल के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद मैं सिलेबस के ऊपर बात करूंगा। सिलेबस के ऊपर आपको पूरी वीडियो के अंदर लास्ट तक आप देखोगे तो सिलेबस के बारे में जानकारी हो जाएगी और आप अपनी तैयारी कर सकते हो। तो मेडिकल के बारे में बात करते हैं। देखो दोस्तों, सिर्फ मेडिकल वहां पे स्पेशल से कोई मेडिकल नहीं होता, जैसे एआरओ में होता है मेडिकल वैसा नहीं होता। वहां पे सिर्फ जो फायरमैन है उन कैंडिडेट की हाइट, चेस्ट और वेट होगा, उसके अलावा कोई मेडिकल वाला काम नहीं होगा। भाई आपने मेडिकल ऐसे होगा, आंखें चेक होगी या बाकी जो भी आप मान के चल सकते हो, मतलब हाथ में बैंड है या नहीं है, ये जो भी एआरओ में मेडिकल होता है वैसा कोई मेडिकल नहीं होने वाला, क्योंकि ये एक सिविल पोस्ट है। सिविल पोस्ट में मेडिकल आर्मी नहीं करती। क्या है इसका मेडिकल का प्रोसेस मैं आपको पूरा बता देता हूँ। जब आप फिजिकल वगैरह दे के आ चुके होगे उसके बाद रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट बाद मेरिट लगेगी, मेरिट के टाइम मेरिट में आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो सिलेक्शन होने के बाद जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे, तो वेरिफिकेशन आप डॉक्यूमेंट जमा करवा के आओगे वहां पे, जिस भी आप सेंटर में आप भर्ती हो जाओगे, जिस भी यूनिट में आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी वहां पे, अगर आप डॉक्यूमेंट जमा करवा के आते हो, सकता है एओसी रिकॉर्ड खुद अपने पास डॉक्यूमेंट जमा करे
यूनिट के थ्रू ना करे। तो जब डॉक्यूमेंट जमा करवाने जाओगे तो उसके बाद डॉक्यूमेंट जमा होने के बाद आपके पास कॉल लेटर से या बाय हैंड आपको एक प्रोफॉर्मा दे दिया जाएगा मेडिकल का, जो एक सिविल मेडिकल होता है उसका पूरा प्रोफॉर्मा दे दिया जाएगा। और वो प्रोफॉर्मा क्या है, अगर बाय पोस्ट आता है तो भी आपको लेके आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जो मेन हॉस्पिटल होता है गवर्नमेंट का, जहाँ पे CMO बैठता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, वहां पे ले जाके उसको फिलअप करवाना है और उसमें सील वगैरह जो भी है, स्टैम्प वगैरह, डॉक्टर की आंखों वाला डॉक्टर अलग से अपना मेडिकल करके लिखेगा और बाकी जो भी है कानों वाला अलग से। तो वो होने के बाद लास्ट में वहां पे स्टैंप और सील लगा के आप वापिस रिकॉर्ड को भेज दोगे, AC रिकॉर्ड को, या अगर यूनिट मेडिकल करवा रही है, जिस भी यूनिट में भर्ती हो, अगर यूनिट के थ्रू मेडिकल करवा रही हो तो आप यूनिट को भेज दोगे। वो क्या है, डॉक्यूमेंट अपने आप रिकॉर्ड में चले जाएंगे, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। तो मेडिकल का यही प्रोसेस रहेगा, आर्मी आपका कोई मेडिकल नहीं करेगी। अब मैं आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं स्पेशल कोई बुक नहीं है, वो पुरानी बुक है, उनके ऊपर जिलते जो कवर है वो चेंज हो रहा है, AOC लिखे जा रहा है। तो मैं उस लड़के से मिलाता हूँ आपको जो लड़का भर्ती देख चुका है और जिसने क्वेश्चन का मतलब एक पूरा डाटा तैयार कर रखा है और उसके चैनल पे उसने वीडियो भी डाली थी उन क्वेश्चनों की। तो 41 की भर्ती हुई थी उस टाइम उसने डाली थी, वो वीडियो बनाता भी था। तो क्या है, अब वो पढ़ाई में लग गया तो थोड़ा सा उसने वीडियो बनानी कम कर दी। तो मैं उसके वीडियो के मतलब कटिंग भी आपको डाल के दिखा देता हूँ और उससे बात भी करा देता हूँ क्या प्रोसेस रहेगा। और उसके चैनल का मैं लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके जो भी एग्जाम हुआ था, जो उसने डाटा तैयार कर रखा है, वो आप जाके देख सकते हो। तो अभी हम उस लड़के के पास चलते हैं और आप उससे हम उनसे बात करवाते हैं भाई थोड़ा बहुत क्या प्रोसेस चेंज हुआ है। और कुछ दोस्तों के रहते हैं भाई नोटिफिकेशन में 1500 मीटर लिखा हुआ है, तो हाँ नोटिफिकेशन में 1500 मीटर है, लेकिन क्या है आपको रनिंग ये सेना है तो आपको हो सकता है 1600 मीटर ही रनिंग करवा ली जाए, कोई जरूरी नहीं है आपका क्राइटेरिया 1500 लिखा है तो 1500 मार के ही वो आपको कराएंगे, थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन 1500 से कम नहीं होगा, 1600 तो वही 1600 ही रहेगा क्योंकि आर्मी का स्टैंडर्ड 1600 ही रहता है। तो इसमें 1500 सिविल जॉब है तो इसलिए 1500 कर देते हैं, लेकिन आप 1600 है, अगर आपकी 45 की तैयारी है घर पे तो आप आराम से कर सकते हो। तो अभी हम उस लड़के से सिलेबस के बारे में बात करता हूँ और आपको पूरी जानकारी देता हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि क्या है आप वीडियो देख लेते हो है ना तो शेयर करते ना आप चैनल को सब्सक्राइब करते। अगर आप सपोर्ट करोगे ना तो मैं अच्छी से अच्छी जानकारी कैंटीन को लेके या बाकी जो भी आपके इश्यू रहेंगे उसको लेके मैं वीडियो लेके आता रहूंगा। तो आप मेरे को मतलब सब्सक्राइब करिए चैनल को और दोस्तों को शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों, अभी हम मिलते हैं उस लड़के से। अभी हम उसके घर पे आ गए हैं तो वो लगभग अभी अपने रूम पे ही है क्योंकि मैं फोन करके आया था पहले, तो वो तैयारी कर रहा है। तो अब देखते हैं उससे बात करते हैं। लड़का कंप्यूटर पे लगा हुआ है एग्जाम की तैयारी करने के लिए, मतलब पूरा सेटअप लगा रखा है क्योंकि इसने भी यूट्यूब पे वीडियो वगैरह बनाई थी। अभी थोड़ा पढ़ाई में बिजी होने के कारण नहीं बना पा रहा। किताबें रखी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, क्या है ये, ओके, लूसेंट की भी किताब है, हिंदी व्याकरण वगैरह की। देखो ये यूट्यूब पे काम करने के लिए, मतलब यहाँ पे पढ़ाते थे लेकिन भर्ती खत्म होने के बाद रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं रहा, तो मैं तो चाहता हूँ दोबारा शुरू कर दे क्योंकि एक लड़के को काफी लंबा एक्सपीरियंस हो गया, 3-4 टेस्ट दे चुका है, तो बैड लक मतलब मान के चलो भाई वो अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई, लेकिन अब पढ़ाई अच्छे से कर रहा है। तो हम पूछते हैं इससे। हाँ भाई, पहले तो यही बता दे अपने चैनल का नाम, क्योंकि ये परिवार से पढ़ता है हमारे और इसका एक चैनल भी है यूट्यूब पे। सभी दोस्तों को राम राम, हमारे चैनल का नाम है AK बड़ौदा डिफेंस अकेडमी। तो पिछली बार मूलभूत सुविधाओं के कारण जो कि कमी थी सुविधाओं की, उसके कारण कमी वीडियो डाल पाया था और कुछ वीडियो डाली थी, तो उसमें से क्वेश्चन आए हुए थे फायरमैन के पेपर में, जो कि बुक्स एंड इट्स ऑथर के नाम से जो वीडियो थी उसमें से 3-4 क्वेश्चन आए थे। और आगे भी अगर कोई अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं AOC रिक्वायरमेंट के फायरमैन और ट्रेडमैन के सिलेबस की कुछ वीडियो डालूंगा, और अगर मैं पूरा सिलेबस कवर करता हूं तो मैं गारंटी लेता हूं 70-80% क्वेश्चन उसमें से ही मिलेंगे। देखो आपने जो 41 FAD मेरे को पता है, मैंने वो वीडियो देखी थी, 41 FAD की आपने क्वेश्चन तैयार किए, तो वो कैसे तैयार किए, आप एग्जाम बार लेके आए थे या
अपने हिसाब से, जो मतलब आपको याद थे भाई ये पेपर में क्वेश्चन आए थे। मैं एग्जाम में बच्चों से पूछा था भी कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, बाकी मेरे को भी एक्सपीरियंस था भी ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब वो जो पेपर मैंने बनाया था ना फायरमैन का जो आया हुआ था वो बच्चों से पूछ के बनाया था, कुछ मेरे को पता था भी ये है। तो क्योंकि मैं खुद पेपर दे के आया था तो किसी कारण वो सिलेक्शन नहीं हुआ, वो एक अलग बात है। लेकिन मैंने उसमें से 80 से 90 क्वेश्चन की वीडियो बनाई थी, तैयार की थी मतलब। और रही बात आपने जो क्वेश्चन की वीडियो बनाई थी, आपने मतलब आंसर 2-4 दोस्तों से पूछ के मतलब 70-80 क्वेश्चन आपने कलेक्ट कर लिए थे, यही है। और जो आपने भर्ती देखी थी, मतलब आप लगभग कितनी भर्ती देख चुके हो? मैं 10 से 12 भर्ती देख चुका हूँ, फायरमैन और ट्रेडमैन। ये तो आपने इतने बड़े लेवल पे भर्ती कभी देखी है भाई? ये 544 पोस्ट है फायरमैन की और 1249 पोस्ट है लगभग इसकी ट्रेडमैन की। इससे पहले इतनी बड़ी भर्ती नहीं आई थी, 41 FAD की थी, वो 400 से 450 पोस्टों की थी। इससे पहले थी दप्पर की 33 FAD भर्ती, और कोई भर्ती इतनी पोस्टों की नहीं है। ये सबसे ऊपर वाली है जो कि कंबाइन भर्ती करी है सभी यूनिटों को, इसमें से अलग करके भेजा जाएगा ट्रेडमैन और फायरमैन को। तो ठीक है, अभी आपकी मतलब ये बच्चे पूछ रहे हैं भाई जो भी कैंडिडेट है दे रहे हैं, इसके लिए कोई स्पेशल बुक है क्या जो YouTube वगैरह भी दिखाते रहते हैं AOC लिख के बड़ी बड़ी, है कोई स्पेशल बुक? इसकी कोई स्पेशल बुक नहीं है और क्वेश्चन की गारंटी नहीं है अभी इस बुक से आएंगे, ये सिलेबस था। बाकी एक अच्छी बात यह है कि अब की बार इन्होंने जो पहले रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन आया था उसमें पेपर दिया हुआ था जो कि ग्रेजुएशन लेवल पर था, उसका तो 150-150 क्वेश्चन पूरे हैं। बाकी फायरमैन और ट्रेडमैन के 70 से 60-80% तक कुछ क्वेश्चन मतलब दिए हुए हैं, पूरा कंप्लीट पेपर नहीं है मैट्रिकुलेशन लेवल का। वो है कहाँ पे वो पेपर? वो पेपर यहीं पे हमारे पास है। ये तो आपने प्रिंट आउट करवा रखा है, ठीक है, वहां पे मतलब जो कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं उनको कहाँ पे मिलेगा? हमारे चैनल पर डाल दिया जाएगा। और वैसे साइट पे है? साइट पे मिल जाएगा नोटिफिकेशन में, जो पहले नोटिफिकेशन आया था ना AOC का, ये भर्ती आने वाले इतनी पोस्ट है इसमें। हाँ, जो आज से 3-4 महीने पहले जो MA वगैरह का नोटिफिकेशन आया था उस टाइम उन्होंने पैटर्न डाला था, अगर किसी ने देखा हो तो MA का और फायरमैन का, वो देख सकते हैं भाई ये पैटर्न था। तो अभी आप मतलब आपकी जो भी वीडियो है उसमें अभी तक YouTube चैनल पे पड़ी होगी? हाँ, वो पहले वाली फायरमैन वाली पड़ी है, फायरमैन का जो पेपर आया हुआ था उसका जो लेवल था वो मैंने डाला था, अभी इस टाइप का पेपर आएगा। वो पेपर बिल्कुल ही आसान था और सबसे अच्छी बात है कि जिस तरीके से इन्होंने पेपर डाला है ना अभी इस पैटर्न से आएगा, तो आप उससे एक अच्छी तैयारी कर सकते हो। जैसे आर्मी GD की होती है सेम GK के क्वेश्चन वही आएंगे, या कलर की कोई बुक हो इंग्लिश की तो उसमें से बहुत फायदा होगा आपको, चाहे उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हो, चाहे एंटोनियम सिनोनियम हो, एडियम फ्रेज हो, तो इसमें आपको बहुत फायदा होगा, आप अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, मतलब सिलेबस में आप ये हो रहा है क्वेश्चन रहता है करंट GK आएगी या पीछे का इतिहास उठा के पूछेंगे? नहीं, इसकी कोई गारंटी तो नहीं है, अभी करंट GK दे भी दे, क्या पता एक से उठा ले कोई चैप्टर से तो उससे ही दे दे, कि 6 से 7 क्वेश्चन दे दे। 41 FAD में जो फायरमैन का पेपर हुआ था उसका लेवल तो सही था, बिल्कुल नॉर्मल पेपर था। बाकी जो बाद में ट्रेडमैन का हुआ था ना तो J&K की ही थी सारी GK, जो कि उन वहां से बहुत धर्म से बहुत से क्वेश्चन आए हुए थे, कम से कम 10 क्वेश्चन आए हुए थे, 10 से 15 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। हाँ, उन्होंने मैंने भी वो देखा था भाई उस मतलब 2-4 उस टाइम भी मैं वीडियो बनाता था 41 FAD को लेके, तो उस टाइम क्या है मैंने बंदों से पूछा भाई कैसे क्वेश्चन आए थे, तो उन्होंने बताया भाई लगभग सारा ही पेपर मान के चलो अगर 20 क्वेश्चन आ जाते हैं किसी स्टेट के, या तो बोले सारा ही J&K का दे रखा है, यहाँ के अलग लद्दाख से जुड़ा हुआ, चाहे 370 को लेके हो चाहे बाकी कोई भी हो, तो उसी को लेके जुड़ा हुआ था भाई, कौन सी धारा टूटी है कौन सी नहीं है, बौद्ध धर्म के जो गुरु है वो कौन है, ऐसे मतलब ऐसे क्वेश्चन थे। अगर आपको मतलब पूरी वो जानकारी लेनी है तो मैं जो लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में वहां पे आप जाके देख सकते हो एक एक भाई कहाँ से क्वेश्चन आएंगे कहाँ से नहीं आएंगे और कैसे क्वेश्चन आए हैं, तो इनके चैनल पे मिल जाएगी। अभी मैं चैनल का आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ, अभी लैपटॉप पे खोल रखा है, उसमें मेरी वीडियो डली हुई है 41 FAD के रिजल्ट वगैरह को लेके, तो आप एक बार देखो। तो ये ऐसा इंटरफेस है इनके चैनल का जिसके ऊपर ये लगा हुआ है, तो आप देख सकते हो इनकी ये वीडियो होती थी, तो आप जाके इसके चैनल पे जरूर देखना। मैं कोई चैनल का प्रमोशन नहीं करने यार, ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है। और वो कौन सी वीडियो है भाई जो आपकी वो है
जिसमें आपने वो दे रखे हैं। चलो इसमें पल्ले करके वो दिखाया डागी। स्किप कर दे कॉइन। ये एक बार है डागी, आप देख लेना उसमें पूरा। ये तो चलो वहां पे कर दे जहां पे वो आपने क्वेश्चन मतलब आंसर दे रखे हैं। आवाज बढ़ाइए थोड़ी, इतनी है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन थे। तो आप ये अगर ये देखना है ना, ये ऐसे ऐसे ठीक, तो ऐसा पैटर्न रहेगा। आप ये वीडियो मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप जाके देख लेना। दो वीडियो है, दोनों के लिंक दे दूंगा। तो वो पूरी 41 APD का जो भी एग्जाम आया था वो पूरा पूरा दे रखा है। तो अगर हमारी जानकारी अच्छी लग रही है ना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं कोई आलतू फालतू की वीडियो बनाने वाला नहीं भाई, मेरे को ना इतना एक्सपीरियंस भी, मैं किसी वीडियो को लंबी लंबी खींच दूं है ये वो, हाँ ना मेरे पास इतना, मैं इतना को सेटअप रखता, अब पीछे से टीवी चलता रहे जोर जोर से, इस टीवी पे मैं ये वो आ गया ये आ गया, ऐसा कुछ नहीं करने वाला। अगर मैं सीधी बात करने वाला हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं लगे तो भाई कोई बात नहीं है। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।